फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करने के लिए बेहतरीन है ये पांच जगहें। कन्नाताल, उत्तराखंड। चारों तरफ हरियाली से घिरे कन्नाताल ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो भीड़भाड़ से दूर छुट्टियों का आनंद उठाना पसंद करते हैं। यहाँ पर्यटकों की उतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन प्राकृतिक छटा किसी भी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। यह उत्तराखंड में धनौल्टी के पास स्थित है। यह चंबा मसूरी रोड पर समुद्र तल से करीब 8,500 फीट की ऊंचाई पर है। कैंपिंग के लिहाज से भी एक आदर्श स्थल है। यहाँ से तकरीबन 10 किमी की दूरी पर सुरकुंडा देवी मंदिर है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर धनौल्टी में इको पार्क है। एडवेंचर लवर्स यहाँ से करीब 1 किमी की दूरी पर कोडियार जंगल जा सकते हैं। यहाँ से टिहरी डैम भी जा सकते हैं जो धीरे धीरे पर्यटकों को आकर्षित करने लगा है। यहाँ पर कई तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले सकते हैं। कन्नाताल दिल्ली से 300 किमी, मसूरी से 40 किमी और धनौल्टी से सिर्फ 11 किमी की दूरी पर है। लैंसडाउन, उत्तराखंड। लैंसडाउन अच्छा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह इलाका अल्पाइन और ओक के वृक्षों से घिरा हुआ है। कुदरत का खूबसूरत नजारा आपको जरूर आकर्षित करेगा। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई 1,700 मीटर है। इस जगह की खोज 1887 में लॉर्ड लैंसडाउन ने की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। वैसे इसका वास्तविक नाम कालूडांडा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए यह परफेक्ट वीकेंड गेटवे है। यहाँ देखने लायक काफी चीजें हैं। भुलाताल एक छोटी झील है जहाँ आप बोटिंग का लुत्फ ले सकते हैं। टिफिन टॉप से उगते सूरज का नजारा अलौकिक लगता है। अगर मौसम साफ हुआ तो बर्फ से ढके पहाड़ों की लंबी श्रृंखला देख सकते हैं। यहाँ ट्रेकिंग, बाइकिंग, साइकिलिंग जैसे एडवेंचर के अलावा करीब से पक्षियों को देखना रोमांचित लग सकता है। मुख्य आकर्षण की बात करें तो गढ़वाल राइफल सेंटर, संतोषी माता मंदिर, रेजिमेंटल म्यूजियम, सेंट मैरी चर्च दर्शनीय स्थल है। इस महीने में पर्यटक यहाँ बर्फबारी का मजा भी ले सकते हैं। लैंसडाउन का नजदीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार है। दिल्ली से कोटद्वार मसूरी और गढ़वाल एक्सप्रेस से पहुंच सकते हैं। जॉली ग्रांट यहां का नजदीकी हवाई अड्डा है जो यहां से करीब 148 किमी की दूरी पर है। कोटद्वार तक दिल्ली से सीधी बसें भी उपलब्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। बाघ, हाथी, तेंदुआ जैसे वन्य जीवों को करीब से निहारने की चाहत रखने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अच्छी जगह हो सकती है। यह भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क में से एक है। दिल्ली से इसकी दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड के नैनीताल के पास हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित इस पार्क की दिल्ली से दूरी करीब 260 किमी है। रामनगर रेलवे स्टेशन से यह करीब 15 किमी की दूरी पर है। यह पार्क दुर्लभ वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए मशहूर है। साल 1936 में इसे हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। 1957 में इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। सबसे पहले यहीं पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। यही वजह है कि बाघ का दीदार करने वाले प्रकृति प्रेमी यहां खींचे चले आते हैं। इसके अलावा हाथी, पैंथर, जंगली बिल्ली, फिशिंग किट्स, हिमालयन भालू, स्लोथ बियर, हिरन, होग हिरन, बार्केड हिरन, घोरल, जंगली बोर, पैंगोलिन, भेड़िया आदि देखे जा सकते हैं। कॉर्बेट में पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए अलग अलग जोन भी बनाए गए हैं, जैसे बीज रानी, झिरना, ढेला, धिकाला, दुर्गा देवी और सितादनी बफर जोन है। रणथंभौर, राजस्थान। रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ पर्यटक वन्य जीवों को प्राकृतिक माहौल में देखकर काफी रोमांचित होते हैं। यह फैमिली के साथ घूमने के लिए बढ़िया जगह है। यह देश के बेहतरीन टाइगर रिजर्व में से एक है। यह अरावली और विंध्य की पहाड़ियों में फैला है। बाघ के अलावा यहाँ चीते भी रहते हैं। यह चीते पार्क के बाहरी हिस्से में अधिक पाए जाते हैं। इन्हें देखने के लिए कच्चीदा घाटी सबसे उपयुक्त जगह है। बाघ और चीतों के अलावा सांभर, चीतल, जंगली सुअर, चिंकारा, हिरन, सियार, तेंदुए, जंगली बिल्ली और लोमड़ी भी पाई जाती है। इसके अलावा पक्षियों की लगभग 264 प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं। पार्क के अंदर महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता यहां की विशाल दीवार है। इसके दक्षिण में चंबल नदी और नेशनल पार्क के उत्तर में बानस नदी है। सबसे अच्छी बात है कि आपको रुकने के लिए इसके आसपास ही होटल भी मिल जाएंगे।
पार्क कोटा रेलवे स्टेशन के काफी नजदीक है और जयपुर से दक्षिण उत्तर करीब 140 किमी की दूरी पर है। यहां पहुंचना आसान है। जयपुर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। रानीखेत, उत्तराखंड। देवदार के पड़ोस से घिरे उत्तराखंड के हिल स्टेशन रानीखेत का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। रानीखेत में फौजी छावनी भी है, जो गोल्फ प्रेमियों के लिए एक सुंदर पार्क भी है। रानीखेत आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट सिर्फ घूमने नहीं बल्कि कुछ समय यहां बिताने के लिए भी आते हैं। यह शांति और सुकून की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थल है। कुमाऊं की पहाड़ियों के बीच पैराग्लाइडिंग करना एक अलग ही आनंद देता है। यहां चौबटिया पार्क, गोल्फ कोर्स, झूला देवी मंदिर और राम मंदिर, बिनसर महादेव, हेड़ा खान मंदिर आदि बहुत मशहूर जगहें हैं। गोल्फ कोर्स रानीखेत का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसके अलावा यहां आप घंटियों वाला मां दुर्गा के मंदिर जा सकते हैं, जहां लोग मन्नत पूरी होने पर छोटी बड़ी घंटियां चढ़ाते हैं। यहां बंधी हजारों घंटियां देखकर कोई भी अभिभूत हो सकता है। यहां का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है, जो रानीखेत से 120 किमी दूर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो यहां से 80 किमी की दूरी पर है। सड़क मार्ग से रानीखेत की दिल्ली से दूरी करीब 350 किमी है।